कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में डिफरेंसेस देखते हैं वीडियो छोटी ही होगी लेकिन मैंने इसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड डेटा कंसिडर करने की कोशिश की है जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में लिखा गया है, हुआ है और ये जो दिख रहा है सिक्स ये बताता है इसके टर्म का जो इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमीश्नर या जो उसके मेंबर्स होंगे उसके टाइम पीरियड क्या होंगे या टर्म क्या होता है उसका तो सिक्स ईयर या फिर उसके उम्र का सिक्सटी फाइव ईयर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कंस्टिट्यूशन में लिखी गई हुई हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई हुई हैं और जिनके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है समझने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं या तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय हमने उस के लिए एक आर्टिकल लिख लिया या फिर जब हमें कोई जरूरत पड़ा जैसे हमें आवश्यकता थी तब हमने उसे फिर से कंस्टिट्यूशन में ऐड किया जैसे देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या इलेक्शन कमीशन हो यह उसी समय हमने ऐड कर लिया था जब हम अपना कंस्टिट्यूशन बना रहे थे इसलिए जैसे कि देखिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए आर्टिकल तीन से तीन के बीच में लिखा गया है लेकिन जीएसटी काउंसिल फर्स्ट जुलाई दो को जीएसटी को हमने कंस्टिट्यूशनल बॉडी बनाया था यानी कि उसके लिए जीएसटी काउंसिल बना इसलिए हमें जीएसटी काउंसिल को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया तो एक आर्टिकल की जरूरत थी तो हमने आर्टिकल टू ए एड कर लिया हमने आर्टिकल टू ए जो है एड कर लिया जीएसटी काउंसिल के लिए तो कंस्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज हैं जो कि कंस्टिट्यूशन में मेंशन है यानी कि उनके लिए एक स्पेसिफाइड आर्टिकल्स है नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है जस्ट इसके बाद देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है इसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है जैसे क्वेश्चन बार बार जाता है, है? तो है आर्टिकल में है लिए आर्टिकल 280 में लिखा है तो आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल तीन में है में इसका टाइम पीरियड जो होता है सिक्स या सिक्सटी फाइव होंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए आर्टिकल तीन से तीन में लिखा गया हुआ है और ये जो सिक्स और बासठ आप देख रहे हैं ये तो उसका टाइम पीरियड है यानी कि टर्म है उसके जो चेयरमैन उसके मेंबर्स होंगे या तो सिक्स और या तो उसके उम्र का सिक्सटी टू ईयर इसमें से जो सबसे पहले होगा वो उसका रिटायरमेंट का डेट हो जाएगा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल दो जीएसटी काउंसिल आर्टिकल टू ए नेशनल कमीशन फॉर यानी कि शेड्यूल कास्ट आर्टिकल थ्री नेशनल कमीशन फॉर एस आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन फॉर बीसी आर्टिकल 338 बी ये भी हमने आ, एक सौ दो

ओके नॉट इंडिया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 ये yes, स्टेट के लिए होता है एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए होता है नन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखते हैं नन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को ही हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करते हैं यानी कि नन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बराबर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होते हैं सीबी आर दोज बॉडीज विच आर नॉट डिफाइंड इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ड्राइव देअर पावर इधर थ्रू सम ए स्टेच्यू और फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्टिट्यूशन कंस्टिट्यूशनल बॉडी को हमने कहा कि वो कंस्टिट्यूशन में मैं लेकिन नन कंस्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूशनल बॉडीज को हमने कहा कि वो कंस्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है वो कंस्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं या तो देखिए कंस्टिट्यूशनल बॉडीज जो होंगे वो दो तरह के होंगे यानी कि एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूशनल बॉडीज जो होंगे या तो वो एस्टिट्यूटरी बॉडी होंगे या वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगे एस्टीट्यूटरी बॉडी कौन से बॉडीज होते हैं ये समझते हैं एस्टीट्यूटरी बॉडीज वैसे बॉडीज कहलाएंगे जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हो यानी कि जिसके लिए लॉ या एक्ट बना हो जैसे कि एनजीटी बनाने के लिए यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने के लिए हमने एक एक्ट पास किया सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बनाने के लिए हमने एक एक्ट पास किया लेकिन नीति आयोग बनाने के लिए हमने कोई एक्ट नहीं पास किया इसमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव की कोई जरूरत नहीं थी हमने डायरेक्ट नीति आयोग को बना लिया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा लेकिन जब हम सेबी या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनजीटी बना रहे थे तो हमने उसके लिए एक्ट पास किया और एक्ट कहां पास होगा पार्लियामेंट में पास होगा यानी कि एंस्टीट्यूटरी बॉडीज के लिए पार्लियामेंट की जरूरी है प्लस पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव की भी जरूरत होगी जहां पर कि इसको पास करने के लिए उस एक्ट को जरूरत होगा तो जो एक्ट के द्वारा बनेंगे बॉडी उसे एक्स्टिट्यूटरी बॉडी कहेंगे और जो केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो बॉडी बनेंगे उसे हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहेंगे एक क्वेश्चन से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं उससे पहले सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो बॉडीज हैं जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जाम्पल्स में आते हैं नीति आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कोई आर्टिकल नहीं होता इसके लिए लेकिन देखिए जो इसका जो चेयरमैन होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का या तो वो पांच साल तक रहेगा या अपने उम्र का सत्तर साल होगा ये इसका इसके टर्म को बताता है उसी तरह से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आया सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन नाउ ये थ्री इयर्स हो गया है इसका टर्म सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का जैसे देखिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्यों बना क्योंकि हमने आर एक्ट दो हजार पांच पास किया कहा किया? पार्लियामेंट में हमने बनाया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए इसके इश्यूज को देखने के लिए सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया स्टेट स्टेट में इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया कि आरटीआई के इश्यूज को देख सके तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये दोनों जो हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगे क्योंकि एक्ट के द्वारा आ रहे हैं या फिर इसको आप एस्टिट्यूटरी बॉडी भी कहेंगे जस्ट एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो यहां पर चीफ इंफॉर्मेशन का कमिश्नर जो होता है उसका टर्म अभी चेंज हो गया है वो तीन साल हो गया है जब मैं डिटेल्स वाली वीडियो बनाऊंगा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पर तो वहां पर हम लोग इसको देखेंगे आपको हर एक टॉपिक्स के इसके वीडियो देख, देखने चाहिए जिससे कि आपको एक होलास्टिक्स व्यूज और होलास्टिक अप्रोच आपका क्लियर हो पॉलिटी का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसके जो टाइम पीरियड्स हैं फोर सिक्सटी फाइव है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई लोकपाल एंड लोकायुक्त ये भी एक्ट के द्वारा बना हुआ है

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टिट्यूटरी बॉडी या फिर ऑप्शन डी पब्लिक प्राइवेट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं पब्लिक प्राइवेट बॉडी हम नहीं कहेंगे हम दो चीजों में फंस रहे एक्स्ट्रा बॉडी या बॉडी इसमें से कोई एक होगा देखिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हमने कहा कि दो पार्ट होंगे इसके एक एस्टिट्यूटरी बॉडी होगा और एक देखिए ये वाला पोर्शन एक एस्टिट्यूटरी बॉडी होगा और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में जिसमें कि पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं है लेकिन बॉडी में पार्लियामेंट की जरूरी है क्योंकि वो कोई एक्ट होगा उसी के द्वारा बॉडी बनेगा तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक्ट के द्वारा बना मतलब इससे पहले एक एक्ट आया था उसके बाद अभी देखेंगे कि कौन सा एक्ट आया था उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना तो इसका सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा एस्टीट्यूटरी बॉडी वो क्या है एस्टीट्यूटरी बॉडी है लक्ष्मीकांत के बुक में भी इसको देख लेते हैं देखिए ये कह रहा है ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ अंस्टीट्यूट्री एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 अंडर अ लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आया 1993 जिसके द्वारा हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया ये एक एंस्टीट्यूटरी बॉडी है आई होप शो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टीट्यूटरी बॉडी क्या है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है दोनों में डिफरेंस यहां पे समझ में आया हम लोगों को कंस्टिट्यूशनल और नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडी में ज्यादा कोई परेशानी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब हो गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का मतलब हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ना हो इसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को एक्स्ट्रा एक्स्ट्राट्यूशन बॉडी कहते हैं और यही जो एक्स्ट्रा एक्जीटिव बॉडी होता है वो दो तरह के होते हैं एस्टिट्यूट्री बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी बॉडी का मतलब हो गया कि वो किसी एक्ट के द्वारा पास हो जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव की जरूरत पड़ती है लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब होता है इसमें किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव की कोई जरूरत नहीं होती है प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव मतलब कि हेड होते हैं वो कोई ऑर्डर निकाल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर निकाल सकते हैं या इस तरह के कोई जो कि एग्जीक्यूटिव ये मतलब पर्सन है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल सकता है और इस तरह के बॉडी बना सकता है जिस, जैसे कि नीति आयोग है नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है अब जैसे कि इसी क्वेश्चन के जगह पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जगह पर यहां पर वो लिख देता कि नीति आयोग क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और यहां पर लिखता है एग्जीक्यूटिव बॉडी तो हम एग्जीक्यूटिव बॉडी लिखते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं लिखते ओके